इसमें सैयद मोहम्मद हसन रजा फ्रॉम mathhimath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 6.2. The statement of this question is actually we have to solve this question. So iske andar jo hamare paas given hai ye hai x square minus x minus 6 over x square minus 9 plus x square plus 2x minus 24 over x minus 12. इसको हमने सॉल्व करना है और देखें जैसा कि ये आपकी इक्वेशंस नजर आ रही हैं जहां पे जो प्रोसेस लगेगा उस प्रोसेस को लगा के हमने इसको इसको फैक्टराइज कर देते हैं. जैसा कि आप इसके यहां पे इसके फर्स्ट इस पॉलीनोमियल में आप देख रहे हैं कि यहां पे इसको हम जो है ना वो इसके हम पेयर बनाते हैं, पेयर इस तरह से हम बना लेते हैं कि यहां पे हमारे पास है 1, तो ये 6 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 आ गया. अब 6 के हम पेयर बनाते हैं यहां पे 1 into 6 और 2 into 3. अब इन दो पेयर्स में से हमने वो पेयर लेना है जिसको ऐड या सबट्रैक्ट करें तो यहां सेंटर में क्योंकि 1x है तो 1 आ जाए. तो आप ये देखें कि ये 6 और 1 का पेयर तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 6 में अगर 1 को ऐड करें तो 7 आ जाता है, 6 में से 1 को सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास 5 आता है, तो ये पेयर तो पॉसिबल नहीं है. तो 3 में से अल्बत्ता 3 में से 2 को अगर हम सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आता है. इस वजह से हमने ये 3 और 2 वाला पेयर ले लिया. तो यहां पे x2 - x - 6 को हमने यहां पे चेंज किया और चेंज करके हमने लिख दिया x2. यहां पे -x को हम लिख सकते हैं -3x + 2x - 6 ओवर. देखें अब यहां पे ये डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से हो रहा है कि ये हैं दो स्क्वेयर्स, ये दो स्क्वेयर्स ऐसे हैं, एक तो है हमारे पास x का स्क्वायर और दूसरा है हमारे पास -3 का स्क्वायर. तो यहां पे देखें दो स्क्वेयर्स हों और درمیان में माइनस हो तो इसको हम एक दफा ऐड करके और एक दफा सबट्रैक्ट करके लिख देते हैं. तो इस वजह से हमने इसको लिख दिया x plus 3 और x minus 3 यहां पे, इस तरह से हमने यहां पे लिख दिया. अब नेक्स्ट प्रोसेस में यहां पे भी कुछ इसी तरह होगा कि इसको भी हम पेयरिंग के थ्रू हमने सॉल्व किया है. इस पेयरिंग में कुछ इस तरह हुआ है कि यहां पे ये जो 24 है ये 24 यहां पे इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 आ गया. 24 के हमने पेयर बनाए 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. अब इन यानी 3 pairs में से हमने वो pair select करना है जिसको add या subtract करें तो हमारे पास ये central यानी कि 2 आ जाए. तो आप देखें कि ये 6 में से अगर 4 को subtract करें तो हमारे पास central यानी कि 2 आ जाता है. तो इसकी वजह से 6 और 4 का pair हमने यहाँ पे लिया. तो अब यहां पे यानी इसको हमने लिख दिया x2, ये +2x को हम लिख सकते हैं +6x -4x और 24. देखें 24 भी इसी तरह है, x2 भी इसी तरह है, यहां पे सिर्फ 2x को हमने कन्वर्ट किया है 6x -4x में. बिल्कुल इसी तरह से यहां पे 12 और इसके साथ है यहां पे 1, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया. 12 के हमने पेयर बनाए 2 into 6 और 4 into 3. अब हमने ये जो 4 into 3 वाला पेयर है ये बेस्ट सूटेबल इसलिए है क्योंकि सेंटर में हमें 1 चाहिए. तो हम यहां पे इसे लिख सकते हैं x2 - 4x + 3x - 12. देखिए ये 12 इसी तरह से है, यहां पे ये x2 भी इसी तरह से है, वैसे जरा ये 12 भी इसी तरह से है -12 भी और ये x2 भी इसी तरह से है. ये जो -x है इसको हम लिख सकते हैं -4x + 3x. नेक्स्ट स्टेप में यहां पे हमने किया इस तरह से कि जी यहां से हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं. देखिए जब इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो हमारे पास यहां पे x रह गया, यहां -3 रह गया. फिर इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लिया तो यहां पे x आ गया, यहां -3 आ गया. इन दोनों में से हम x को कॉमन लेते हैं तो यहां पे x +6 आ जाएगा. इन दोनों में से हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, देखें यहां से और यहां से -4 को कॉमन लिया तो ये x +4 आ जाएगा. देखिए अब हमने माइनस कॉमन लिए तो ये जो x यानी -4x के साथ ये जो माइनस का साइन है ये यहां से बाहर चला जाएगा और ये x के साथ ये भी प्लस आ जाएगा और ये माइनस ये यहां से बाहर गया तो यहां पे ये भी प्लस आ गया. और अगर आप इस -4 को यानी एंटर कर दें इन दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये -4x और -24 ही आएगा. डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह हुआ है कि इन दोनों में से हमने x को कॉमन ले लिया तो ये यानी यहां पे इन दोनों में से हमने x को कॉमन लिया तो ये x -4 आ गया और इन दोनों में से हमने +3 को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास x -4 आ जाएगा. अब आप देखें क्वेश्चन खासा सिंपल हो गया है. अब देखें तो यहां पे x -3 इधर है और x -3 इधर है, सो इन दोनों में से हम x -3 को कॉमन निकाल लेते हैं.
कॉमन निकाला तो यहाँ से यहाँ पे x रह गया, यहाँ प्लस टू रह गया, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस टू, और x माइनस थ्री यहाँ से हमने बाहर ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया। इसके बाद यहाँ पे x प्लस सिक्स इधर है, x प्लस सिक्स इधर है, इन दोनों में से हमने x प्लस सिक्स को कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस फोर, यानी ये x और ये माइनस फोर, सो ये x माइनस फोर यहाँ पे इस वजह से आ गया, और x प्लस सिक्स हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे x प्लस थ्री और x माइनस थ्री यहाँ पे ये बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे हमने इस तरह किया कि यहाँ पे अगर आप देखें तो x माइनस फोर इधर भी है, x माइनस फोर इधर भी है, दोनों में से x माइनस फोर को हम कॉमन ले सकते हैं। सो हमने दोनों में से x माइनस फोर को कॉमन लिया, यहाँ पे x रह गया, यहाँ प्लस थ्री रह गया, सो x प्लस थ्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये x माइनस फोर, अब हमने यहाँ पे x माइनस फोर को x माइनस फोर के साथ कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे x प्लस थ्री को, सॉरी x माइनस थ्री को x माइनस थ्री के साथ कैंसिल आउट कर दिया। अब देखें यहाँ पे सिंपली हमारे पास रह गया x प्लस टू ओवर x प्लस थ्री, और यहाँ पे हमारे पास रह गया x प्लस सिक्स ओवर x प्लस थ्री। अब इन दोनों का हमने एलसीएम, क्योंकि x प्लस थ्री इधर भी है, सो x प्लस थ्री इसका एलसीएम आ जाएगा। तो x प्लस थ्री का को हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों का एलसीएम बिल्कुल सेम है, तो ये हमारे पास x प्लस टू और x प्लस सिक्स इसी तरह से आ गया। अब यहाँ पे x और x एड अप होके 2x आ गया, 2 और 6 एड अप होके 8 आ गया ओवर x प्लस थ्री, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके अंदर से अगर कुछ थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2x है और ये 8 है, सो इन दोनों में से 2 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास x प्लस फोर आ जाएगा ओवर x प्लस थ्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ।